नैना मेरे लिए इतने मायने रखती है कि अभी एक हफ्ते से मेरे को नींद नहीं आ रही है। ये शायद एक अंदरूनी एक फीलिंग होती है कि जिस दिन बेटी चली जाती है वो चाहे कितने भी अच्छे घर में जाए, कितने भी इसमें बन जाए, पर कहीं ना कहीं लगता है कि भाई वो आज माँ से अलग होगी। इसके साथ तो हर दिन अच्छी यादें हैं हमेशा। अगर इसका झगड़ा भी है उस झगड़े में भी प्यार है इसके झगड़े में, मेरे को पता, मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि हमारे झगड़े भी इसीलिए होते हैं कि इसको ये है कि मम्मी अपनी केयर नहीं करती, मम्मी ऐसी नहीं करती, तो इस वजह से मतलब अगर झगड़ा भी है तो उसमें भी प्यार छुपा होता है इसके झगड़े में। और दूसरी जो नैना मेरे लिए क्यों खास है, क्योंकि तुम दोनों रोजगार तो बहुत पहले से मेरे से अलग चली गई थी, दूर चली गई थी, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने मन को मना दिया था, लेकिन तुम्हारी दोनों की कमी भी ये पूरी करती थी साथ में रह के कि चलो जब ये होती थी तो वह मेरे को कभी महसूस नहीं होने देती। अब मुझे कहीं ना कहीं ये लगता शायद मैं अकेली हो गई। नैना बहुत मायने रखती है, वो इसलिए क्योंकि सबसे छोटी बेटी और सबसे ज़्यादा लाडली भी है। मेरा नैना का सही मायने में बॉन्ड अच्छा है। शिमला जब हम इकट्ठे रहते थे तो नैना किचन में खाना बनाती थी और मैं बर्तन धोया करता था, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिस करूँगा मैं। ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा। शरारत और हरकत तो बहुत ज्यादा है, अगर थोड़ा सा ऊंचा चिल्लाओ तो गंगा जमुना उसके ऊपर ही रहती है, वो हमेशा बहती रहती है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव, वो इसलिए कि जो ओवर सेंसिटिव होता है वो अपने लिए घातक होता है, इवन सेंसिटिव भी अपने आप को बहुत चोट पहुंचाता है, इसलिए आदमी को थोड़ा रफ एंड टफ रहना ही ठीक रहता है। मेरे दिल भरो थोड़ा कोशिश करनी चाहिए उसको, विद द पैसेज ऑफ टाइम शी शुड इंप्रूव हर दिस सेंसिटिवनेस। तेरे पांव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। सॉरी गोइंग आई एम, दोबारा बोल रहा है आई एम। सॉरी आई एम गो तूने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, पापा तुझे डांटेंगे। तूने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। शी हैज़ कम इन माई लाइफ एज अ टीचर ऑल्सो, मैं बहुत कुछ सीखती हूँ उससे। उसका अपने लिए जो सेल्फ लव है, उसका जो एक केयर करने का दूसरों के प्रति जो एक भावना है, वो इतनी प्योर और इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मैं उससे बहुत कुछ चीज़ें सीखती हूँ और मैं सीक्रेटली चीज़ें उससे सीख कर मैं खुद अपनी लाइफ में इम्प्लाई करती हूँ। और इसलिए कहीं ना कहीं मैं ये भी सीक्रेटली मानती हूँ कि मुझे उससे ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला है। टुडे इज़ हर द मोस्ट हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हर लाइफ, और मैं जितना हो सकता है आई वॉन्ट टू जस्ट कॉन्ट्रीब्यूट फॉर मेकिंग हर डे memorable and special for her. हमारे पूरे घर की जान है वो।
मम्मा की तरह हमारी लिटिल एंजल है. बहुत कुछ है कहने के लिए बट पता नहीं, वो फीलिंग ऐसे वर्ड्स में अभी एक्सप्रेस करना इज, क्योंकि अभी सिर्फ ये ध्यान में आ रहा है कि ये चेकलिस्ट कंप्लीट हो गई, ये टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गई है कि नहीं. क्योंकि अपनी तरफ से मैं आई वांट टू डू एवरीथिंग पॉसिबल इन माय कैपेसिटी टू मेक हर स्पेशल डे इवन मोर स्पेशल एंड मेमोरेबल. आई लव यू एंड यू विल ऑलवेज बी माय लिटिल बेबी. आई लव यू. मुट्ठी बनाने के लिए पांचों की जरूरत है. एक भी टूटी जाए तो मुट्ठी नहीं होती, अधूरी होती है. सो सी सो इम्पोर्टेंट चीज. या तुमने अगर कुछ ज्यादा कह दी तो 2 मिनट में रोके ही दे देगी. और पीटेगा कौन? मैं तेरी वजह से और उसकी वजह से कितनी बार तो पीटी हूं मैं. Nobody needs suggestion, advice or anything. All what you can do is just be supportive. Me so supportive, Naina. आपस में दो जो प्राणी आपस में मिलते हैं उनका बॉन्ड बहुत अच्छा रहना चाहिए. एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, एक दूसरे के वर्ड्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि जिंदगी अच्छे से निभे. आज हमारे इस घर को छोड़ के तू जा रही है तो जिस घर में जा रही है उस घर में भी ऐसी खुशियां लानी जैसी खुशियां तूने इस घर में रह के सबके लिए तू सबको इकट्ठा करके रखती थी, उसी तरह तेरे को दूसरे के घर जाके भी मतलब पूरे परिवार को इकट्ठा रखना है. ये एक माँ का विश्वास भी है. और मैं ये मतलब कहना भी चाहती हूँ कि मुझे ज़िंदगी में कभी ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि भाई तेरी वजह से कभी परिवार में कुछ ऊंच नीच हुई हो. मैं उस दिन अपने आप को असली माँ के लाने के लायक समझूंगी जिस दिन मुझे लगा कि मेरी बेटियों ने अपने सास ससुर को भी अपने माँ बाप बनाया है. बस के चल गुमसुम तराने चुपके गाए आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये जमी थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियां तीसी हंसी.